गाइस, वेलकम टू गैजेट टूर। आज मैं आपका फोन क्यों इतना हीट जनरेट करता है उसके कुछ वजह बताऊंगा और उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा इस वीडियो में। आपका फोन क्यों हीट जनरेट करता है इसकी चार ऐसी वजह बताऊंगा जिसके वजह से आपका फोन हीट जनरेट करना शुरू कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल गर्म होने की प्रॉब्लम से सभी परेशान रहते हैं, लेकिन यूजर्स ये नहीं जानते कि फोन गर्म क्यों होता है। यहाँ हम आपको फोन के गर्म होने की चार प्रमुख वजह बता रहे हैं जिसके कारण अक्सर फोन गर्म होता है। यूजर्स को इसका पता नहीं होगा कि आपका आपका स्मार्टफोन ज्यादा हीट जनरेट करने लगे तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। चलिए अब मैं आपको चार प्रमुख वजह बताता हूँ जिसकी वजह से वो हीट जनरेट करने लगता है। फर्स्ट, प्रोसेसर। शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि फ़ोन के गर्म होने के पीछे प्रोसेसर जिम्मेदार होता है। स्नैपड्रैगन 810 और 615 मतलब 810 और 615 में हीटिंग प्रॉब्लम आती है। अगर आपके फ़ोन में इसमें से कोई प्रोसेसर है तो फ़ोन गर्म होगा। फ़ोन खरीदते वक्त इसे बात का ध्यान रखें कि अगर आपका प्रोसेसर अच्छा हो तो हीटिंग से बचा जा सकता है। अगर स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा हो तो हीटिंग से बचा जा सकता है। अगर आप स्मार्टफोन देखते हैं तो उसका प्रोसेसर जरूर देखें कि वो कौन सा प्रोसेसर में है। बैटरी। लियन आयन बैटरी भी फोन की हीटिंग का कारण बनती है। इन बैटरीज की वजह से थर्मल रनवे होता है जिसकी वजह से पूरी डिवाइस में हीट पैदा होती है। खास तौर पर मेटेलिक बॉडी वाले फोन में ज़्यादा हीट जनरेट होती है। अगर आप फ्लिप कवर या बैक कवर कुछ और एडवांस से लगाना चाहें तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो मेटल का ना हो, उससे हीट जनरेट ज़्यादा करता है। और बैटरी को चार्जिंग पे रख देना, ओवर हीटिंग चार्जिंग के वजह से भी फ़ोन हीट जनरेट करने लगता है। इस बात का भी ध्यान रखिए कि फ़ोन की बैटरी को भी ठीक से रखना चाहिए। वीक सिग्नल। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुअर नेटवर्क वीक वाईफाई सिग्नल पर ऐप इंस्टॉल करने से भी स्मार्टफोन गर्म होता है, क्योंकि ऐसे में फ़ोन को काम करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका पुअर सिग्नल है, वाईफाई पुअर चल रहा है या डाटा कनेक्शन पुअर चल रहा है या सिग्नल एकदम लो है तो उसे ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी वजह से मोबाइल को ज़्यादा पावर लगाना पड़ता है नेटवर्क जमाने के लिए, तो इस बात की वजह से भी हीट जनरेट करने लगता है, मोबाइल गर्म होने लगता है। तो इस बात से भी बच सकते हैं आप कि पुअर सिग्नल रहा तो यूज़ ना करें वो चीज़, अगर ज़रूरी ना हो तो। फ़ोन का लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना। अगर आप डेली फ़ोन पर हाई एंड गेम खेलते हैं या घंटों वीडियो देखते हैं तो फ़ोन गर्म होता ही है। अगर कोई भी कितना भी अच्छा बेस्ट प्रोसेसर बेस्ट स्मार्टफोन रहा तो भी आप अगर ज़्यादा वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू उसका यूज़ करते रहते हैं और हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेलते रहते हैं तो वो फ़ोन गर्म होगा ही होगा। इसलिए ज़रूरत हो तो ही यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें, लिमिट में यूज़ करें। इससे इस बात से भी बचा जा सकता है कि आपका फ़ोन हीट ना जनरेट करेगा अगर आप लिमिट में यूज़ करेंगे तो उसको। अब ऐसे बचे मोबाइल की हीटिंग से कैसे बच सकते हैं? मोबाइल ओवर हीटिंग से बचने के लिए हाई ग्राफिक्स वाले गेम लंबे समय तक ना खेलें, हाई ग्राफिक्स वाले गेम कम खेलें, ज़्यादा देर तक उसका यूज़ ना करें, ज़्यादा वीडियो ना देखें, कई एप्लीकेशन एक साथ यूज़ ना करें क्योंकि इसके लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज़ ना करने लगे और उसे क्लियर करते रहें तो इस वजह से भी आपका फ़ोन हीट ना जनरेट करेगा या हीट जनरेट करना शुरू कर देगा अगर आप हैवी गेम खेलते हैं, हैवी वीडियो देखते रहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गैजेट टूर। ये करके देखा।